नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अप्रैल 2022 के महीने में आ चुकी है बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप कक्षा 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, फिर भी अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास में कोई भी एक सरकारी नौकरी नहीं है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगी आपको एक सरकारी नौकरी, वो भी इस साल 2022 के अंदर। जी हां दोस्तों, अगर आपका सपना है एक आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। पांच बड़ी भर्तियों के फॉर्म यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो 31 अप्रैल 2022 से पहले आवेदन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आवेदन करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल भर्ती 2022 के बारे में, जो कि सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है। जी हां दोस्तों, अगर आप कक्षा 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, चाहे किसी भी विषय के अंतर्गत, तो आप सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं इन बंपर भर्तियों के लिए। दोस्तों, इन भर्तियों के लिए सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि संपूर्ण भारत से इस भर्ती के लिए सभी लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है दोस्तों। इन भर्तियों के लिए ना तो आपकी एग्जाम होगी, ना ही कोई आपसे फीस ली जाएगी, और ज्यादातर जो भर्तियां हैं बिल्कुल सीधी भर्तियां हैं, बिना परीक्षा के। तो दोस्तों, आपको बिना परीक्षा के भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, आवेदन जरूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, अन्य सभी जानकारी के लिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, सरकारीtodaynews.com पर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सरकारीtodaynews.com पर आप जाए करके जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 10 भर्तियों की जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि नंबर 1 वैकेंसी है। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट की भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर की जो भर्ती है वो है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, यहां पर जो भर्ती जारी की गई है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, एमटीएस की भर्ती है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है, जीडीएस की है, पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पद है, ठीक है। 14,500 से अधिक पद यहां पर जारी हो चुकी हैं, जिसके लिए केवल आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा बाय पोस्ट ही। चयन प्रक्रिया में केवल आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा, ना तो आपकी परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। वहीं दोस्तों, सैलरी आपको 18,000 से 81,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है और अधिकतम जो है 27 साल है। आईसीयू में छूट है सरकार के नियमानुसार, और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं, तो कक्षा 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी योग्यता अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं, अप्लाई करने का लिंक रहा नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की जो भर्ती है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से। जी हां दोस्तों, बंपर वैकेंसी आ चुकी है एसएससी की तरफ से। पदों के बारे में आपको बताएं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद हैं और हवालदार के पद हैं। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। कुल पदों की संख्या लगभग 10,000 है और संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। जॉब लोकेशन संपूर्ण भारत की रहेगी। वहीं चयन प्रक्रिया में आपकी केवल लिखित परीक्षा होगी, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। सैलरी आपको 5,200 से 20,200 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी, प्लस ग्रेड पे आपका 1,800 रुपए का रहेगा। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 25 साल है। आईसीयू में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों, आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं, तो दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए केवल 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ग्रेजुएट पास भी है किसी भी विषय के अंतर्गत, तब भी आप 10वीं के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन जो है 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेंगे। तो 30 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है, ये रहा अप्लाई करने का लिंक नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर की जो भर्ती है वो है आरबीआई की तरफ से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, ऑफिसर के पद पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ग्रेड बी के पद है। 294 पदों पे सूचना जारी की गई है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया गया है। चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं तो कम से कम 21 साल है, अधिकतम जो है 30 साल है। आई सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। वहीं आवेदन
शुल्क जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए है। पेमेंट आपको केवल ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 28 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 18 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो 18 अप्रैल से पहले आवेदन कीजिएगा। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि रेलवे की तरफ से नई वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। पदों की बात करते हैं तो ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर के पद यहां पर जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 103 है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी आपको 12,000 से 14,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। चयन प्रक्रिया एस पर रोल्स है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 27 साल है। आई सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। और दोस्तों आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है सभी अभ्यर्थियों के लिए। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास है तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 14 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से महाभर्ती आ चुकी है, बम्पर भर्ती है। 40,506 पद यहां पर जारी हो चुके हैं। जैसा कि आप देखते हैं बीपीएससी की तरफ से ये जारी की गई है सूचना। हेड टीचर की पद यहां पर जारी किए गए हैं जो कि प्राइमरी स्कूल के लिए है। 40,000 से अधिक पद यहां पर जारी हो चुके हैं। बम्पर भर्ती है साल 2022 की। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं तमाम भर्तियों के। 100% रियल वैकेंसियां हैं सभी के सभी, ठीक है। सैलरी आपको 35,000 रुपए कम से कम प्रति माह सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है अधिकतम जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। आवेदन शुल्क जो है अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 है, एससी एसटी के लिए 200 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्री पास है, साथ ही साथ आपके पास में ये डिग्रियां हैं, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 28 मार्च से, लास्ट डेट जो है 22 अप्रैल 2022 है, तो 22 अप्रैल से पहले आवेदन कीजिएगा। यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों बैंक की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ईसीजीसी लिमिटेड बैंक की तरफ से वैकेंसी है। पद के बारे में आपको बताएं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद यहां पर जारी किए गए हैं, पीओ के पद यहां पर जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या यहां पर 75 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सैलरी आपको काफी अच्छी मिलेगी, लगभग 90,630 रुपए से लेकर 1,02,090 रुपए प्रतिमा आपको सैलरी मिलेगी। और यहां पर जॉब लोकेशन संपूर्ण भारत की है। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 साल है, अधिकतम जो है 30 साल है। आई सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं आवेदन शुल्क जो है अदर्स के लिए 850 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 175 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता के बारे में आपको बताएं तो अगर आप डिग्री पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं किसी भी विषय के अंतर्गत, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है इसके 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 20 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो 20 अप्रैल लास्ट डेट है। ये रहा अप्लाई करने का लिंक, आज ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों ये जो पद है यहां पर आप देखते हैं हेल्थ वर्कर के पद है, जिसके लिए केवल फीमेल अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। 824 पदों पर यह बड़ी भर्ती की सूचना जारी की गई है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सैलरी आपको 21,700 से लगभग 70,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, प्लस ग्रेड पे आपका 2,000 का रहेगा। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष है, अधिकतम जो है 42 साल है। आई सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं जो है हेल्थ वर्कर कोर्स यहां पर मांगा गया है। आवेदन इसके 16 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 13 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा अप्लाई करने का लिंक नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है, जो कि डिजिटल शिक्षा एंड रोजगार विकास संस्था इंडिया की तरफ से जारी की गई है। यह भी बम्पर भर्ती है, जैसा कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की यहां पर पद जारी किए गए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 2,659 है, लगभग यहां पर 2,700 पद जारी हो चुके हैं, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन प्रक्रिया में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। सैलरी आपको एस पर रोल्स मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 35 साल है। आवेदन शुल्क जो है यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी डिसेबल के लिए 350 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप 12वीं कक्षा पास है, डिप्लोमा डिग्री पास है, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको 11 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक करना है। 20 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा अप्लाई करने का लिंक नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई और बम्पर भर्ती की, जो निकाली जा रही है पशुपालन विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ चुकी है पशुपालन विभाग में बम्पर भर्ती। पद की बात करते हैं तो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के पद जारी किए गए हैं, जो कि पशुधन सहायक के पद है, ठीक है। 1,136 पद यहां पर जारी किए गए हैं, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। और दोस्तों राजस्थान की जॉब लोकेशन है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार।
अनुसार। वहीं आवेदन शुल्क जनरल के लिए 450 है, ओबीसी के लिए 350 है, एससी एसटी के लिए 250 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 12वीं पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के अलावा ग्रेजुएट पास भी हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 17 अप्रैल तक चलेंगे, 17 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, टीए ऑफिसर के पद यहां पर जारी हो चुके हैं, जिसके लिए केवल आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा बाय पोस्ट। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया में केवल आपका इंटरव्यू होगा, ना तो आपकी दौड़ होगी ना ही आपकी लिखित परीक्षा होगी, केवल आपका इंटरव्यू होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इंडियन आर्मी की इस भर्ती के लिए। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 42 साल है, आयु सीमा में छूट है सरकार के अनुसार। वहीं आवेदन शुल्क जो है सभी के लिए 200 रुपए है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता जो है अगर आप ग्रेजुएट पास है तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 19 मार्च से 4 मई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों रेलवे मेट्रो की तरफ से भी आ चुकी है नई भर्ती, जो कि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से जारी की गई है। पद की बात करते हैं तो डायरेक्टर फाइनेंस के पद यहां पर जारी किए गए हैं, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में आपकी केवल इंटरव्यू होगी, यहां पर ना तो आपकी परीक्षा होगी, केवल आपका सीधा इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। सैलरी आपको 50,000 से 1,60,000 रुपए प्रतिमा मिलेगी। उम्र सीमा जो है अधिकतम 50 साल है और योग्यता जो है अगर आप पीजी पास है तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 19 अप्रैल तक चलेंगे। ये रहे लिंक अप्लाई करने के, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करिएगा। इनके अलावा और भी भर्तियां आ चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।